नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों, PTZ कैमरे के बारे में मैंने कभी बात की, थोड़ी बहुत बात की, और आपको उतनी इन्फॉर्मेशन मैं अब तक नहीं दे पाया हूँ। PTZ को लेकर काफ़ी कमेंट आते रहे हैं, कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि PTZ को पूरी तरह से समझना है कि PTZ में किस मॉडल नंबर का मतलब क्या होता है, कौन से PTZ कैमरे में क्या खासियत है। ये सारी चीज़ें काफ़ी कमेंट आती रहीं और मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया, कई बार ऐसा हुआ। आज मैं आपको कुछ दिनों से मैं सोच रहा था और अगले कुछ 3-4 वीडियो में PTZ पर ही बनाऊंगा, जिसमें कि मैं PTZ को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके मन में कोई सवाल, कोई संशय ना बचे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज मैं आपको बताने वाला हूँ PTZ कैमरे के जो कोड होता है, नेमिंग कोड होता है, उसका क्या मतलब, यानी कि मॉडल नंबर में जो जो चीज़ें होती है उससे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है और इस PTZ कैमरे में क्या खासियत है। सभी चीज़ों को मैं बारी बारी से बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो मैं हमेशा कहते आया हूँ और कहते आया रहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले DS2, ये आपको पता है कि सबसे पहले एक विजन के किसी भी कैमरे या DVR वगैरह में आपको DS2 वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। DS2 का मतलब होता है एक विजन, ये आपको पता है, मैंने कई बार आपको बताया एक विजन का। और अगर यहाँ पर आपका IDS रह गया तो ये एक विजन का स्मार्ट सीरीज के अंतर्गत आता है, क्लियर है। इसके बाद आता है DS2 के बाद C। सी का मतलब कलर कैमरा, कलर मतलब कलर व्यू नहीं, कलर मतलब कैमरा दिन में कलर लेगा, ये हो गया। इसके बाद आता है DCD, डी का मतलब होता है आपका IP कैमरा, और यहीं पर अगर ए रहे तो ये है आपका एनालॉग कैमरा। PTZ, मैं नॉर्मल कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, PTZ में एनालॉग PTZ कैमरा हो जाएगा अगर सी के बाद ए आएगा, और अगर डी आएगा तो ये IP PTZ कैमरा हो जाएगा। अब DS2 CD हो गया, इसके बाद अगर ई है तो ई का मतलब ये इंट्री लेवल का है, जैसे कि आप इकोनॉमिकल आप कैमरे देखते हैं या फिर जो कि प्लास्टिक बॉडी वाले कैमरे आप देखते हैं नॉमिनल एनालॉग में, उसी तरह ये PTZ में ये आपका इंट्री लेवल में हो जाता है। हालांकि इंट्री लेवल में भी कई बेहतरीन स्पेसिफिकेशंस वगैरह आते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन ई मतलब होता है ये इंट्री लेवल। इसी में एक आता है आपका F का मतलब होता है एडवांस लेवल, जिसमें कि डार्क फाइटर X सीरीज वगैरह, प्रो सीरीज वगैरह भी काफ़ी आते हैं। और इसमें अगर यहाँ पर अगर F रहे तो F का मतलब होता है एंटी कोरोजिन। एंटी कोरोजिन क्या होता है पता है आपको, ये मेटल कोटेड होता है उसके पूरे बॉडी में, जिससे कि उसमें जंग वगैरह ना लगे। बाहर में कैमरा है, अगर मेटल का कैमरा है तो उसमें जंग वगैरह ना लगे या फिर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए पानी वगैरह से, तो इसलिए एंटी कोरोजिन होता है अगर यहाँ पर F रहा तो। आगे बढ़ते हैं, अगर अब यहाँ पर ये जो सीरीज है यहाँ पर अब लेंस के साइज पर निर्भर करता है, अगर यहाँ पर 4 रहा तो 4 इंच का लेंस का साइज है, अगर यहाँ पर 2 रहा तो 2 इंच का लेंस का साइज है, अगर यहाँ पर 8 रहा तो 8 इंच का लेंस का साइज है, यानी कि ये वाला आपको लेंस का साइज बताता है। इसके बाद जो आता है वो आता है आपके कैमरे का रिजोल्यूशन, कैमरा आपका कितना मेगापिक्सल का, अगर 2 है तो 2 मेगापिक्सल का, 3 है तो 3 मेगापिक्सल का, 4 है तो 4 मेगापिक्सल का, इस तरह करके ये रिजोल्यूशन बताता है। तो यहां तक क्लियर हो गया DS2 CD E42। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद थोड़ा सा ये और एडवांस्ड होते जाता है यहां पर, और कॉम्प्लिकेटेड भी होते जाता है, यहां पर पूरा वीडियो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है ऑप्टिकल जूम वगैरह जो आते हैं उसका नंबर, अगर यहाँ पर 25 है तो 25x ऑप्टिकल जूम हो गया, अगर यहाँ पर 03 है तो 3x ऑप्टिकल जूम हो गया, अगर 10 है तो 10x ऑप्टिकल जूम हो गया। तो इस तरह से ये वाला पार्ट जो है ऑप्टिकल जूम को शो करता है। अब यहाँ पर अगर इसके बाद आपको आई मिलता है तो आई का मतलब है 200 मीटर्स तक ये नाइट विजन नाइट मोड में देख सकते। दिन में तो आपको पता है कि कैमरे आप कितने दूर देखें वो दिख देता है, मगर विजिबिलिटी लगभग आप आयर डिस्टेंस को ही आप ध्यान में रखें तो क्लियर विजिबिलिटी उतनी ही लगभग रहती है, तो कहीं पर भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। यहीं पर अगर आपका i3 हो तो i3 अगर है तो i3 का मतलब ये 300 मीटर के आसपास आपका ये विजन लेगा।
और अगर i5 है तो 500 मीटर्स तक का ये विजन लेगा, ये मतलब रखता है, ये IR इल्यूमिनेशन शो करता है। यहीं पर अगर आपका T है तो HDTVI और अगर आपका S है तो HDSDI, जो अब लगभग नहीं आते लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसके साथ साथ अगर N है तो विदाउट IR एक्सप्लोजन रहता है, ये भी आपको बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद सीरीज का नंबर आता है, अगर V है तो R4 सीरीज, अगर W है तो R7 सीरीज और अगर यहाँ पर X है तो H3 सीरीज। X वाली जो है अभी काफ़ी ज़्यादा आपका टर्बो X सिस्टम चल रहा है, आपका डार्क फैक्टर भी X चल रहा है, तो ये X वाले अपग्रेड वर्सन में आते हैं, ये हायर रेंज में आते हैं। बाकी और भी काफ़ी जो सीरीज है वो काफ़ी बेहतरीन है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर यहाँ पर A होगा या AE होगा या D होगा या DE होगा या फिर E होगा, इस तरह से इसका मतलब मैं बताता हूँ। अगर इसके बाद आपको A देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है कि AC 24 वोल्ट जो है इनको चाहिए, AC करंट चाहिए। अगर वहाँ पर आपको D दिखाई पड़ता है तो वहाँ पर आपको DC 12 वोल्ट चाहिए, जो सभी में आपको देखने को मिलेंगे। शायद ही बहुत ऐसे कम कैमरे अब बचे हैं जो कि 24 वोल्ट AC वाली कहानी उसमें है, इंडिया में खासकर, इंडिया के बाहर तो खैर काफ़ी मिलते हैं। ई अगर है तो उसका मतलब है POE सपोर्ट करता है, POE या POE प्लस या HIPOE सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ें क्लियर कर देती है कि हाँ ये कैमरा POE है या POE नहीं है, ये PTZ में लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन है। इसके बाद अब बात आता है कि एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह क्या है। अगर यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको L दिखाई पड़ते हैं तो ये हो गया लो टेम्परेचर वाले कैमरे हैं। अगर यहाँ पर W दिखाई पड़ते हैं तो W का मतलब वाईफाई आप नहीं समझ लीजिएगा, W का मतलब है कि कॉन्टेंट्स वाइपर, जो वाइपर होता है जो लेंस क्लीन करता है, बाहर में आउटडोर में डस्ट वगैरह काफ़ी रहते हैं तो वो वाइपर भी इसके अंदर होता है, ये हो गया। V अगर है तो वंडल प्रूफ है और अगर CX है तो एक्सप्लोजन प्रूफ कैमरा है। एक्सप्लोजन प्रूफ कैमरे के लिए मॉडल नंबर तो आप परचेज करने के पहले आप देख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लोजन प्रूफ कैमरा आपको पता ही है, मैंने पूरे डिटेल से बताया था कि ये आपके इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है, ऐसी जगहों पे जहाँ पर विस्फोटक या फिर आग या फिर इस तरह के कोई भी गैसेस होते हैं, ज्वलनशील गैसेस वगैरह के जो काम होते हैं वहाँ पर के लिए ये एक्सप्लोजन प्रूफ कैमरा होता है। तो आप CX देखें तो समझ लीजिए कि एक्सप्लोजन प्रूफ कैमरा। साथ ही X का भी मतलब मैं बता ही चुका था, और X का मतलब ही होता है एंटी कोरोजियन, जो लास्ट में होता है, बीच वाला तो मैंने बताया ही F होता है, तो एंटी कोरोजियन भी रहता है ये कैमरा। तो ये सारी चीज़ें, लास्ट में अगर आपको वाईफाई मिले तो वाईफाई हो गया, अगर लास्ट में आपको S मिले तो उस कैमरे में ऑडियो भी इनबिल्ट है, ये ध्यान देने वाली बात है, अगर S मिले तो ऑडियो भी इनबिल्ट है, अलार्म वगैरह भी हैं। तो ये सारी चीज़ें ये चलती रहेंगी, और कई ऐसे मॉडल्स नंबर आए हैं जो कि PTZ में हैं और नए नए काफ़ी ज़्यादा मॉडल आए हैं। मैं आपको अगले कुछ सीरीज में ज़रूर बताऊंगा कि किस मॉडल नंबर को आपको परचेस करना चाहिए, आपके ज़रूरत क्या है, किस में क्या खासियत है। लेकिन मैंने आज जो बताया, नॉर्मल PTZ कैमरा जो भी आप देखते हैं, एनालॉग हो चाहे IP हो, उसके मॉडल नंबर को देखकर आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या खासियत है क्या खासियत नहीं है, कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और आने वाले कुछ वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आएंगे, क्योंकि वो भी PTZ से रिलेटेड होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।